हाय, वेलकम टू सुमो व्लॉग्स। आई होप एवरीबडी सेफ। यहाँ पे तो महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम कोई ट्रैवल व्लॉग या कुछ बना ही नहीं सकते हैं। तो लेट्स सी, आज मैं आपके लिए एक टॉवल क्लीनिंग वीडियो बनाती हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल। ये जैसे हम तो केरलाइज हैं, जैसे मल्लूज, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ वाइट टॉवल्स। तो ये वाइट टॉवल्स में कैसे जल्दी से दाग वगैरह लग जाते हैं, ऑयली रहता है, जब हम तेल वगैरह लगाते हैं तो इसमें ऑयल, डस्ट, ये सब जल्दी आ जाता है। तो लेट्स सी कैसे क्लीन कर सकते हैं। मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैंने पहले ही ट्राई किया, ये मेरे फादर ये सब करते थे क्लीनिंग इस मेथड से। तो लेट्स सी हम लोग जब करते हैं तो ये क्लीन होता है या नहीं होता है। ओके, ना आप टॉवल ले रहे हो उसके हिसाब से सर्फ डालना है। सर्फ, ये सर्फ मैंने ऐसे मुट्ठी भर लिया है, मैं टॉवल डालूंगी। ये एक, ये दो टॉवल। इसमें आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप डाल दीजिए टॉवल्स। और इसमें अभी पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें और पानी डालूंगी। इसमें मैंने और थोड़ा पानी डाला ताकि ये पूरा उसमें डिप हो सके। आपको और टॉवल डालना आप डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सर्फ डाल के और पानी इसमें इसके ऊपर तक आना चाहिए। अभी इसे ऑन कर दीजिए गैस को, थोड़ा फास्ट फ्लेम में रखिए और इसे बॉईल होने दीजिए। करेंगे तो हाथ पूरा गर्म हो जाएगा। तो इस वेटर केस को कूल करने के बाद हम लोग इसको बाथरूम में लेके जाके अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कितना डर्ट निकला है। देखिए अभी भी ये गर्म ही है, इसको और थोड़ी देर रखेंगे हम, देन आई विल वॉश इट। दिख रहा है फिर आपको, कितना डॉट निकला, तो उतना आपको कम मेहनत करना पड़ेगा इसको क्लीन करने के लिए। साबुन इसको अच्छे से दो तीन बार वॉश कर देंगे, फिर इसमें तो नील डालेंगे तो ये और अच्छे से वाइट दिखेगा। तो इसमें नील डालेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। देखिए कितनी गंदगी निकली है, सिर्फ दो टॉवल से इतनी गंदगी। इसमें हम लोग ये जो उजाला है ना, ये वो डालेंगे, वाइट कपड़ों में नील डालेंगे ना तो उसका कलर अच्छा रहेगा। अभी ये सूखने के बाद ये कैसा दिखता है मैं
ओके ये देखिए अभी ये सूख जाएगा तो नीट और क्लीन दिखेगा, तो वेट करते हैं इसका सूखने का। देखो जो जिस बर्तन में मैंने बॉईल किया था ना, तो बर्तन देखिए ऐसा काला जैसा हो जाता है, तो इसीलिए जो आप रेगुलर यूज नहीं करते हैं वही बर्तन यूज करना, कुकिंग के लिए नहीं यूज, कुकिंग वाला बर्तन नहीं यूज करना, ठीक है। ये दाग चले जाते हैं पर देन टू थोड़ा बहुत रहता है। ओके देखिए ये अभी सूख गया है, इसके बाद देखिए इसका कलर कैसा दिख रहा है, सिर्फ वो नील का थोड़ा सा पैच रह गया है। नील जब डालोगे तो थोड़ा प्रॉपरली इसको करना, देखिए दूसरा कलर। हम मशीन में धोने से बेहतर हम ऐसे मेथड से धोएंगे ना, नीट और क्लीन भी रहेगा, और ये एक वीकली वंस करना ही है, क्योंकि टेबल ऐसा चीज़ है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, तो इसको ऐसे क्लीन करेंगे तो इसका क्या बोलते हैं लाइफ लाइन भी बना रहेगा, सही रहेगा। तो यही था आज का वीडियो, अभी नेक्स्ट वीडियो देखते कुछ अपलोड करूँगी, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और वैक्सीन लीजिए।